हेलो गाइस, वेलकम टू अपर्णा रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए एक है गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक चटपटा सा स्नैक्स, और वो भी बहुत इजी तरीके से। तो उसके लिए हमने लिया है एक बाउल पोहा, जो ये नॉर्मल पोहा है जिसे कि हमने पानी में भिगो दिया है ताकि वो एकदम सॉफ्ट हो जाए। तो हमने लिया है एक बाउल पोहा। और साथ ही हमने लिया है, हमने 3 आलू लिए हैं बॉईल वाले, जिसे कि हमने मैश कर लिया है। और हमने लिया है एक बाउल लिया है साबुतदाना, भीगा हुआ साबुतदाना, या ऑप्शनल है अगर आपके पास हो तो आप डालिएगा। लेकिन इसका जो टेस्ट होता है और जो दिखता है, इसके जो अप्पे बनेंगे वो बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इसको भी इसमें डाल देते हैं। और साथ ही हमने लिया है हाफ बाउल लिया है हमने भुनी हुई मूंगफली का पाउडर, इसको हमने पीस लिया था मिक्सी में, इसको भी इसमें डाल देते हैं और इसे अच्छी तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेते हैं। हमने आलू और पोहा को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है मसलते हुए। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो थोड़ा सा हमने लिया है जिंजर, जिसे कि हमने कद्दूकस कर लिया है। थोड़ा सा एक डाला है हमने इसमें प्याज बारीक कटा हुआ। थोड़ी सी डाली है हमने 5 से 6 लिए हरी मिर्च, इसे बारीक काट लिए। थोड़ा सा डाला है हमने हरा धनिया, और साथ ही इसमें कुछ डालेंगे मसाले। तो इसमें हम डालेंगे, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे हम इसमें आमचूर पाउडर, और डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, और बिल्कुल थोड़ा सा 1 चुटकी डालेंगे इसमें हम खाने का सोडा। और इन सभी सामग्रियों को अच्छे तरीके से मसलते हुए मिक्स कर लेंगे और इसका डो तैयार कर लेंगे। हमने सारी सामग्रियों को मसल करके अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आपका जो मसा ड्राई हो रहा है तो उसमें हल्का सा पानी का छींटा आप दे सकते हैं। और इसके अब हम जैसे नींबू के साइज़ के छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, क्योंकि जो अप्पे का साइज़ होता है नॉर्मल साइज़, उस साइज़ के अब हम इसके बॉल्स बना के तैयार कर लेंगे। ये हमने छोटे छोटे अपने सारे बॉल्स बना के तैयार कर लिए हैं। आप ये चाहे तो इसे डीप फ्राई भी कर सकती है या फिर इसे शैलो फ्राई भी कर सकती है तवे पर थोड़ा सा तेल डाल करके। लेकिन आज हम इसे बनाने जा रहे हैं अप्पे के सांचे में, और वो भी एकदम कम ऑयल में, 1 चम्मच ऑयल में इसे हम बना के तैयार करेंगे। गैस पर हमने अप्पे का साँचा रख लिया है और उसे हल्के हल्के तेल से हमने ग्रीस कर दिया है। अब जैसे ही हमारा ये साँचा गर्म होता है, हम उसमें डालेंगे एकदम हल्का सा जीरा। इसमें जीरे का जो टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। और अब जो हमारे तैयार वाले अप्पे हैं उसको इसके सांचे में रख देंगे। अब हम इसे ढक्कन ढक करके मीडियम टू लो फ्लेम पर 5 मिनट तक पकने देंगे। ये जो हमारे अप्पे हैं, जिसे कि हमने 5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लिया है, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से पक चुके हैं। अब हम इसे साइड को चेंज कर देंगे, इसे पलट लेंगे दूसरी साइड से, और इसे ढक कर फिर से 5 मिनट तक और इसे पकने देंगे और क्रिस्पी होने देंगे। तो फ्रेंड्स, जो हमारे अप्पे हैं, जिसे कि हमने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पका लिया है, और ये पक के बिल्कुल क्रंची से बनके तैयार है, जिसे कि हमने बहुत ही कम ऑयल में बनाया है। देखिए, एकदम क्रिस्पी से अप्पे बनके तैयार है। इस तरह हम अपने सारे अप्पे बना के तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारे बहुत ही क्रिस्पी से, यूनिक से पोहा आलू अप्पे। आप इसे जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही कम ऑयल में बने हैं, बिल्कुल लेस ऑयल में बने हुए हैं, और ये बिल्कुल यूनिक डिश है।
तो आप इसे जरूर ट्राई करिए और अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए, खिलाते रहिए।